बच्चों की छुट्टियां तो होने वाली है, खत्म। अब पूरा एक हफ्ता रह गया सिर्फ आपके पास। जस्सू आपका होमवर्क खत्म हो गया? और गाइस अभी हम लाए समोसे, तो अभी समोसे खाते हैं। और गाइस ये देखिए इनके प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। हर्षिका के लिए हम एटीएम मशीन का मॉडल बना रहे हैं और होपफुली आज बन जाए, नहीं तो कल ही बन पाएगा क्योंकि तो बहुत काम है इसके अंदर। मॉडल बनाते बनाते देखिए इसकी तरह गंद पड़ गया रूम के अंदर। जले जाओ फिर फाड़ियो मत, उसको वापस दे दियो मुझे, ठीक है? हाँ फाड़ना नहीं है, हाँ लिख लियो पर वापस दे दियो, ठीक है? अभी गाइस मैं तो बहुत थक गया हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अपना ये एटीएम वाला मॉडल, क्योंकि तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। बेटा जी छुट्टियाँ ख़त्म होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, उसके बाद टाइम से सोना और टाइम से उठना। अभी जैसा नहीं चलेगा, अभी तो गाइस ये सोते ही 11:30 बजे के बाद है और सवेरे उठते भी 11 बजे ही है। स्कूल स्टार्ट होंगे फिर सुबह 6:30-7 बजे तक आपको उठना पड़ेगा। हाँ उठती है 5 बजे, 8 बजे स्कूल जाना होता है ना, तो 7:30 बजे उठते हैं। बेटा अलार्म तो रोज ही बजता है। जैसू आप पढ़ रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? ये क्या लिखा है? वेरी गुड, आप तो पढ़ाई कर रहे हो सच्ची मुच्ची। वेरी गुड, ओके बेटा। बेटा अभी छोड़ दो, अभी ये बना नहीं है, टूट जाएगा, अभी ये अधूरा है। ये देखिए गाइस मेरे साथ साथ घूम रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है कि मैं बाजार ना चला जाऊं अकेला, है ना? नहीं जाते, चलो अंदर। बेटा ये कौन सा तरीका बैठने का, ये कौन सा तरीका बैठने का, इसको ऊपर कह के बैठो, बड़ी शरारती है ये। ये देखिए गाइस अभी मशीन पूरी बनी नहीं है, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया इसके साथ। गाइस मैंने इनसे लेके ना अलमारी के ऊपर रख दिया, नहीं तो ये तो तोड़ देंगे। और ये देखिए अब नए कामों में लगे। बेटा ये सामान मुझे चाहिए है, सेवियां खा रही है, खुद नहीं खा रही, कह रही मम्मी को खिलाऊंगी। वेरी गुड, इसको साइड में रख दो बेटा।